नमस्कार दोस्तों, हारमोनियम गुरु लेसन में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सिखाने जा रहे हैं आपको एक बहुत ही फेमस गाना, उठ जा काले कावा। इस गाने को बड़े सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगा। भले ही आपको हारमोनियम बजाना आता है, भले ही नहीं आता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाने को बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। चलिए इस गाने को शुरू करते हैं। गाने के पहले लाइन के बोल हैं, उठ जा काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा। हर एक लाइन की नोटेशन आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी, जिससे आपको गाना बजाना बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए पहले मैं पहली लाइन आपको बजा के दिखाता हूँ, फिर आगे देखते हैं। अभी इसी लाइन को थोड़ा स्लो स्पीड में देखते हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन से स्वरों का यूज हुआ है। तो पहली लाइन को देखिए, स्लो में बजा रहा हूं। तो ये जो मैंने बजाया, उठ जा काले कावा, अभी फिलहाल में जो बजाया, तो थोड़ा और देखते हैं एक दफा इस पार्ट को दोबारा। देन उसके बाद तेरे मुंह विच खंड पावा, फिर से देखिए। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन के बोल हैं, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सद के जावा। तो वो लाइन देखते हैं। एक बार फिर से देखिए इस लाइन को। ये लाइन हालांकि सेम ही पहली लाइन के जैसे है, जैसे हमने शुरू में बजाया था, उठ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, तो ये लाइन भी सेम उसी लाइन पर आधारित है, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सद के जावा। तो एक बार फिर से देखिए इस लाइन को। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, बागों में फिर झूले पड़ गए। तो वो लाइन देखते हैं, वो शुरू होगी यहाँ से ऊपर से तार सप्तक से। एक बार फिर से देखिए इस लाइन को, कैसे बजेगी ये लाइन। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन, पक गई है मिठी आंबियां, फिर से देखिए इस लाइन को। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, ये छोटी सी जिंदगानी तेरा ता लंबी लंबी, वो लाइन देखते हैं। इस लाइन को दोबारा देखते हैं। एक बार और देख लीजिए इस लाइन को। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। तो दोबारा देखते हैं इस लाइन को। फिर से देखते हैं इस लाइन को। अगर आपने ये इतना पार्ट सीख लिया, तो समझिए आपने पूरा गाना सीख लिया। अभी अंतरा पार्ट में सिर्फ आपको दो ही लाइन सीखनी है, तो उसके बाद आपका पूरा गाना कंप्लीट है। अभी जो हमने सीखा, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, गाने का स्थाई पार्ट था, तो बहुत इजी था, कुछ हार्ड नहीं था। मैंने हर एक लाइन को रेपिटेशन में बजाया, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अभी चलते हैं अंतरा पार्ट की तरफ। तो अंतरा पार्ट की पहली लाइन के बोल हैं, छम छम करता आया सावन प्यार के गीतों का। वो लाइन बजा के दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए। अभी इसी लाइन को थोड़ा स्लो स्पीड में देखते हैं। एक बार और देख लीजिए इस लाइन को। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो सेम आपके पहले जैसे पार्ट के जैसे आएगा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए हैं मीठे आंबे, जो कि हमने ऑलरेडी सीख ले, तो वही नेक्स्ट पार्ट आपका वही बजेगा। ठीक है, तो ये पार्ट सेम ही है। इस प्रकार आपका ये पूरा गाना बजेगा। उम्मीद करता हूँ बड़ा ही इजी गाना है, तो आप इस गाने को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।